आईपीएल में खिलाड़ी किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा या झंडा लेकर मैदान में उतरते हैं क्या? क्या खेल के मैदान में खिलाड़ियों के आपसी झगड़े के पीछे किसी राज्य का चुनाव कोई वजह हो सकती है? क्या कोई राजनीतिक एजेंडा होता है क्या? क्या क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ियों की आपसी कहासुनी का राजनीति से कोई कनेक्शन होता है क्या? मतलब जो ये सब हो रहा है, क्या गंभीर और विराट कोहली के बीच ये सब कुछ जो हुआ उसका क्या कर्नाटक चुनाव से कोई लेना देना था? आपको सुनने में हंसी भी आ रही होगी और आपको बड़ा सवाल भी हास्यास्पद लग रहा होगा, आपको सुनकर हैरानगी हो रही होगी। लेकिन आज हम आपसे सवाल जानते क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही है। आईपीएल के एक मैच में गौतम गंभीर और विराट कोहली के झगड़े को कर्नाटक चुनाव से जोड़ दिया गया है। गंभीर और कोहली की कहासुनी, जो झगड़ा जो कहासुनी हुई, कांग्रेस पार्टी चुनावी बैटिंग करने पर उतर चुकी है। अब कोहली को कनाडिगा प्राइड और कर्नाटक गौरव से जोड़कर गौतम गंभीर पर हमला किया जा रहा है। इन दोनों में भाई गंभीर गलत है, कोहली गलत है, हमें नहीं पता भाई, आपसी जो भी इनकी बातचीत है वो बीसीसीआई तय करे। लेकिन हो यह रहा है, दरअसल सोमवार को लखनऊ में आईपीएल के मैच के दौरान क्या हुआ कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच बहस की चर्चा, और इसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल, आपने भी देखा होगा। गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स, लखनऊ की टीम के मेंटोर है, जबकि विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं। विराट कोहली बैंगलोर की टीम से, समझ रहे हैं, विराट इस टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अब इस मैच के दौरान कई मौके ऐसे आए जब दोनों टीम के खिलाड़ी आमने सामने थे। बहस की शुरुआत विराट कोहली और लखनऊ टीम के खिलाड़ी नवीन उल हक के बीच हुई। मैच खत्म होते होते गौतम गंभीर और विराट कोहली आपस में भिड़ गए। मैच के बाद आईपीएल ने कोर्ट कॉन्डक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गौतम गंभीर और विराट कोहली की पूरी मैच फीस 100%, जबकि नवीन उल हक की आधी मैच फीस काट ली। यहां तक कहानी सबको समझ में आई। दोनों टीमों के फैंस अपने अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं, लेकिन इसमें कर्नाटक चुनाव का कोई एंगल अब तक आपको नहीं मिला होगा, बताते हैं आपको। कोई गौतम गंभीर के समर्थन में खड़ा है तो कोई विराट कोहली के पक्ष में अपनी बातें कर रहा है। लेकिन गंभीर और कोहली की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी के, मतलब वो लिख रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के हार ढूंढने निकली है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करके जो कहा, ये संजय झा का ट्वीट है, हालांकि इन्होंने भी बोला है, ये सुप्रिया श्रीनेत का, इसमें सबसे नीचे वाली लाइन पढ़िए, ये कर्नाटक के आगामी हार की बौखलाहट है। जिस तरह की गुंडई, ये देखिए आप, गौतम गंभीर एक चुने हुए सांसद और कभी भारत की जर्सी पहनने वाले क्रिकेट खिलाड़ी, लेकिन हाल के दिनों में उनकी हरकतें और खासतौर से कल आईपीएल मैच के बाद उनकी सड़क छाप गुंडई शर्मनाक है। चलिए ये सब ठीक है, उनकी दिक्कत हो सकती है, खुन्नस है वो, उनकी पॉलिटिक्स मुबारक। लेकिन आगे उन्होंने लिखा, ये कर्नाटक में आगामी हार की बौखलाहट है, कर्नाटक चुनाव में आगामी हार की बौखलाहट है, ठीक है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और वो विराट कोहली, तो उनके साथ जो गौतम गंभीर ने, अगर उनका आक्रामक रवैया रहा, ये कर्नाटक चुनाव में आगामी हार की बौखलाहट की, मतलब वो डगआउट में बैठे होंगे, उनके दिमाग में आया कि नहीं, जो है कर्नाटक में हार होने वाली है, तो चलिए क्यों ना, जो है कर्नाटक के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकता, उनकी टीम के कप्तान के खिलाफ ही मैं ये सब करता हूं। हो सकता है ऐसा हुआ हो, सुप्रिया श्रीनेत को ऐसा लगा कि कर्नाटक चुनाव में हार की, संभावित हार या आगामी हार की बौखलाहट की वजह से गौतम गंभीर ने ऐसा किया विराट कोहली के साथ। विराट कोहली आरसीबी बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स से जो खेलते हैं। अच्छा, यही नहीं, कांग्रेस के एक और करीबी नेता संजय झा को भी लग रहा है कि गौतम गंभीर का बर्ताव कर्नाटक चुनाव की वजह से है। संजय झा ने बकायदा ट्वीट करके इसे कर्नाटक चुनाव से जोड़ते हुए बीजेपी के हार की भविष्यवाणी कर दी। मतलब आरसीबी जो है वो, अब कल के मैच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबने देखा, लेकिन आरसीबी के साथ गौतम गंभीर ने ऐसा किया तो ये कर्नाटक में जो है वो बीजेपी हार रही है, ठीक है, कर्नाटक में बीजेपी हार रही है। इस हिसाब से हैरान करने वाली बात यह, आखिर भारतीय खिलाड़ी और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली, जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाई, उन्हें सिर्फ कर्नाटक और कर्नाटक गौरव से जोड़कर 135 करोड़ भारतीयों के साथ, क्या ये मजाक नहीं है? मतलब कांग्रेस पार्टी आईपीएल की टीम का जिस तरह क्षेत्रीय बंटवारा करके उस पर राजनीति कर रही है, क्या वो देश में ही खिलाड़ियों को बांटने की कोशिश नहीं है? क्या ये क्षेत्रीयता और राज्य के आधार पर खिलाड़ियों का तुष्टीकरण करने की कोशिश नहीं है? खैर चलिए, कांग्रेस के तर्क के हिसाब से अगर देखें तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब यहां पर क्योंकि बैंगलोर से खेलते हैं विराट कोहली और उनके साथ ये जो हुआ, ये कर्नाटक में बीजेपी की आगामी हार हो सकती है, तो इस हिसाब से अभी एक मैच चल रहा है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, गुजरात का मैच चल रहा है दिल्ली के साथ,
और कल को अगर गुजरात जीत गई तो क्या 24 में मोदी की जीत पक्की हो जाएगी, क्योंकि मोदी गुजरात से आते हैं? अब ऐसा तो नहीं होगा ना, इस लॉजिक के हिसाब से कह रहा हूं। और इसके अलावा शनिवार को अभी गुजरात टाइटंस और केकेआर के बीच में मुकाबला हुआ, गुजरात टाइटंस ने केकेआर को 7 विकेट से हरा दिया। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत और ममता बनर्जी की हार थी? भाई नहीं कहा जा सकता ना। मतलब विराट कोहली कर्नाटक बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स के खिलाड़ी हैं, वो कर्नाटक की अस्मिता, और वो कोहली गंभीर ने उनको ऐसा कर दिया तो कर्नाटक का अपमान और ये कर्नाटक में आगामी हार। ऐसे तो गुजरात टाइटंस का जो मैच चल रहा है अभी इस वक्त जो मैं बुलेटिन कर रहा हूं, तो गुजरात टाइटंस अगर जीत गई तो 24 में मोदी की जीत पक्की थोड़ी ना हो जाएगी भाई। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का ट्रेलर है क्या? चुनाव में हार जीत जनता तय करती है, देखिए, जबकि खेल के मैदान में हार जीत खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर होती है, जबकि कोई पार्टी जनता की बजाय खिलाड़ियों के कंधे का इस्तेमाल अपनी हार जीत के लिए करने लगती है, तो इसे किसकी बौखलाहट कहेंगे ये आप तय करें। हालांकि बयान सुनकर शायद विराट कोहली को भी